चलिए तो दोस्तों आज हम देखते हैं एलसीएस का टेबल फिलिंग कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैंने एक एग्जांपल में दो स्ट्रिंग लिया हुआ है, एक स्ट्रिंग वन ए बी, ठीक है, एक हमारा स्ट्रिंग टू है जो कि है ए बी सी। तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो लॉन्गेस्ट कॉमन सबसिक्वेंस होगा वो होगा ए बी ए बी, और उसका मैक्सिमम लेंथ कितना है, टू। तो ये हमें रिटर्न करेगा टू। अब हम इसे बॉटम अप फैशन में टेबल फिल करके देखते हैं कि ये हमें टू रिटर्न कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये रहा हमारा तीन कंडीशन, जो कि था एल वन इक्वल टू जीरो और एल टू इक्वल टू जीरो अगर हो तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा। वैसे ही अगर दोनों कैरेक्टर हमारा जिसमें हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वल हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, और जब इन दोनों में से कुछ ना हो तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि जब भी L1 इक्वल टू जीरो होगा L2 इक्वल टू जीरो होगा तो हमारा Li कॉमा j में जीरो फिल हो जाएगा। तो इसी वजह से सबसे पहले मैं इन दोनों को जीरो फिल कर देता हूँ, रो को, पहले वाले रो को और पहले वाले कॉलम को, ठीक है, जीरो फिल कर दिया। अब मैं निकालूंगा LCS ऑफ 1,1 पे क्या होगा, ठीक है, 1,1 मतलब ए ए ये इक्वल है, ठीक है। तो ये रिटर्न करेगा 1 प्लस एलसीएस ऑफ 0,0, ठीक है, जो कि हमारा ये है। तो एक चीज आप देख लीजिए, जहां इक्वल होगा हम 1 प्लस डायगोनल वाला वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है, 1। अब ये फिल करेगा एलसीएस ऑफ 1,2, पहले स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर, दूसरे स्ट्रिंग का सेकंड कैरेक्टर। तो ये इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं होता था तो ये मैक्स रिटर्न करता था एलसीएस ऑफ आई माइनस 1 जे कॉमा एलसीएस ऑफ आई जे माइनस 1, जो कि होगा मैक्स एलसीएस ऑफ 2,1 है ना ये, तो 0,2,1,2 है ना, तो ये क्या होगा 0,2 और एलसीएस ऑफ 1,1 का मैक्स, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जब ये फिल कर रहे हैं और अगर ये इक्वल नहीं आ रहा है तो इन दोनों का में से जो मैक्स होगा उसको ये कंसीडर करेगा, जो कि यहाँ पे है 1, अगर इक्वल नहीं आता है। तो अब तक हमने क्या समझा कि मान लीजिए हम किसी पार्टिकुलर बॉक्स को फिल कर रहे हैं, ठीक है, और पहले तो हम कंपेयर करेंगे कि दोनों कैरेक्टर इक्वल है कि नहीं। अगर उन दोनों का कैरेक्टर इक्वल हुआ तो हम वहां पे 1 प्लस डायगोनल वैल्यू रिटर्न करेंगे, सॉरी इस बॉक्स में डालेंगे। अगर इक्वल नहीं हुआ तो हम उन दोनों का जो लेफ्ट साइड और अप साइड में वैल्यू है उन दोनों का मैक्सिमम निकाल के डालेंगे। आइए हम देखते हैं फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड फर्स्ट और थर्ड में क्या है, जैसे ए है हमारा सी है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो दोनों में से मैक्स कौन है, 1, ये 1 लेगा। अब हम 2,1 देखते हैं, 2,1 दिस एंड दिस, क्या ए भी इक्वल है, नहीं, तो इन दोनों में से मैक्स लेगा। अब देखते हैं 2,2 और 2, बी ए इक्वल है, नहीं है, इन दोनों में से मैक्स लेगा जो कि 1 है। और अब 2 और 3 आया, 2 क्या है अपना बी, 3 बी, ठीक है, तो दोनों इक्वल है, हाँ इक्वल है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 प्लस डायगोनल वैल्यू, ठीक है, तो यहाँ पे ये होगा 2 फिल। सिमिलरली अब इन दोनों को देख लेते हैं जल्दी जल्दी क्या क्या होगा। 3,1 में क्या होगा, 3,1 मतलब सी और ए, ठीक है, क्या सी ए इक्वल है हमारा, नहीं है, तो मैक्स,
और हम देखेंगे सी और ये वाला ए, तो ये भी इक्वल नहीं है, तो मैक्स, ठीक है। और अब हम देखेंगे सी और बी, ये दोनों भी इक्वल नहीं है, तो इन दोनों में से जो मैक्स होगा इसको ये रिटर्न करेगा टू। और लास्ट में हम क्या करेंगे, ये वैल्यू वैल्यू को हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न ऑफ एलसीएस 3 3। तो दोस्तों ये रह गया, ये हो गया हमारा टेबल फिलिंग। तो पॉइंट टू भी नोटेड, इसमें क्या हुआ कि जब हम टेबल फिलिंग करेंगे सबसे पहले तो ये हम इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। और एक शॉर्टकट क्या हुआ कि अगर दोनों कैरेक्टर हमारा इक्वल है तब हम डायगनल वाला वैल्यू प्लस वन करेंगे, और अगर दोनों इक्वल नहीं होता है तो हम अपसाइड वाले वैल्यू को देखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड वाले वैल्यू को देखेंगे, और दोनों में से जो हमारा मैक्स है हम उसे लेंगे और उस बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा बॉटम अप टेबल फिलिंग फॉर लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यहाँ तक तो हम पहुँच गए कि हमारा लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस क्या है, पर वो कौन कौन सा सबसीक्वेंस है ये भी तो हमें निकालना है, नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा।